नमस्कार दोस्तों, करण जॉन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए करण जॉन यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर है आप उसको 0 to 750 आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो है ये मेरे साथ मतलब मैंने रियल में किया हुआ है, उसी के आधार पे बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने मन से सोचा और वीडियो बना दिया तो ऐसा मतलब दोस्तों मैं भी जो भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों उस वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत होती है और काफ़ी सारी मैं मतलब रिसर्च करके ही आपके पास वीडियो लाता हूँ। वैसे मतलब आपको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में कह सकते हो। कुछ मतलब एक सब्सक्राइबर ने हमें ये भी कहा था कि भाई आप जो वीडियो बना रहे हो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ भी रिसर्च नहीं करते हो, ऐसे ही बना देते हो। तो उनके लिए मैंने इस वीडियो में ये कहा है कि आप मतलब जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ भाई मैं पूरी रिसर्च करके ही बनाता हूँ, कोई भी वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बनाता, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये जो टॉपिक है दोस्तों कि आपका सिविल स्कोर 0 to 750 आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों एकदम ये आपका सिंपल मेथड है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो मतलब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, ठीक है। और तो आपको ये सब आपके पास हो गया तो फिर आपको सबसे पहले जाना है आपके नियर बाई कोई भी मोबाइल शॉप में। अगर वो मोबाइल शॉप पे फाइनेंस मोबाइल आपका EMI पे मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब उसके पास होम क्रेडिट का भी होगा। जैसे कि मतलब ये बजाज हो गया, जितने भी बड़े बड़े फाइनेंस है दोस्तों वहाँ जहाँ पे ये नहीं आते हैं उनसे मतलब पहले होम क्रेडिट वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो हमें ये बड़ी कंपनियों से कुछ मतलब भी नहीं है, हमें होम क्रेडिट के पास ही जाना है। तो दोस्तों आप कोई भी अपना फ़ोन होम क्रेडिट से फाइनेंस करा लीजिए जो कि 14 to 15,000 की रेंज में होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था और मेरा सिविल स्कोर दोस्तों 760 के पास पहुंचा, इसीलिए मैं आपके साथ भी मैंने सोचा कि ये शेयर कर दूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों मैंने भी ऐसे ही फ़ोन लिया था, फाइनेंस करवाया था, फिर मेरा जो मेरा DP डाउन पेमेंट जो होता है वो मैंने पे किया था दोस्तों 5000 से या 4000 के आसपास। तो दोस्तों वो मैंने अपना डाउन पेमेंट पे कर दिया और उसके बाद दोस्तों मेरी जो 6 मंथ के लिए EMI आई थी, तो दोस्तों उसमें दोस्तों मैंने सबसे पहले जो आपको भी करना है कि आपकी जो 6 मंथ की EMI है आपको कोशिश करना है कि कोई भी EMI आपकी बाउंस ना हो। तो दोस्तों आपको मतलब मैंने ये जो मेरी 6 मंथ की सब EMI पे हो गई थी, तो दोस्तों उसके बाद में मैंने अपना सिविल स्कोर चेक किया था जो कि दोस्तों 760 के ऊपर था, 760 या 770 था। तो दोस्तों मुझे काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों यही जानकारी मतलब मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा ये जो हेल्प है दोस्तों आपकी भी होनी चाहिए। दोस्तों आप में से मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग ये अपना क्रेडिट स्कोर के लिए भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं मतलब मुझे भी ये इसके बाद जो मैंने 6 मंथ की EMI मैंने पे की तो मुझे भी मेरा HDFC बैंक की तरफ से मुझे क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आया था, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया क्योंकि मैं उस मतलब उसका कुछ रेंटल भी होता है ईयरली, तो एनुअल चार्ज होता है जो कि मुझे मतलब इतना ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं जस्ट मनी यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट मनी के बारे में मैंने नुकसान के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उस नुकसान से आप कैसे बच सकते हो उसके लिए भी मैंने सेकेंड वीडियो बनाया, आपको वीडियो है ऊपर यहाँ कहीं दिख जाएगा, ठीक है, आप वीडियो देख लेना और काफ़ी मतलब बढ़िया वीडियो आप मतलब देख लेना आपको वीडियो कैसा लगता है। हाँ तो वो अगर आप भी वैसे जस्ट मनी से लेते हो तो दोस्तों मुझे भी लगता है आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी और आपका जो काम है दोस्तों काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए आपके भाई के चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।